टुडे वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसमें आप लोगों को पहले इसमें क्लियर कर दूं कि दो पार्ट्स में आपकी बुक डिवाइड है, ए पार्ट और बी पार्ट। जो ए पार्ट है वो 50 मार्क्स का है, बी पार्ट है आपका 30 मार्क्स का। तो पहले हम लोग 50 मार्क्स वाला ए पार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों के फर्स्ट 3 चैप्टर्स, जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, वो 16 मार्क्स के हैं। प्लानिंग, स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनमें से जो पहले दो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग 14 मार्क्स के हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग 20 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट 15 मार्क्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी 15 मार्क्स। तो फर्स्ट वी फोकस ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपका ये 80 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल ही है। तो पहले आज हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है। बच्चे, मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर कराने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग घर में भी और एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या बगैर किसी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स फ्रॉम अदर, यानी कि आप दूसरों से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट का मतलब जैसे कि मैन के द्वारा मैनेज किया गया। अब आप लोगों से सीधा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अगर अपने घर में कोई काम करते हैं या कोई भी बाहर काम करते हैं, तो बगैर मैनेजमेंट के आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या आपका बिजनेस है या आपकी घर में मम्मी का ही लगा लो कि वो जो काम करती हैं, अगर उसकी वो मैनेजमेंट ना बनाए कि मुझे इतने समय में इतना काम करना है, इतने समय में मुझे ये काम करवाना है, तो आप लोगों को वो काम नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर डेफिनेशन यही रहेगी, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब इसी को एक बार समझेंगे हम लोग कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जो कि दूसरों से काम कराया जाता है। बच्चों, यहाँ पर इफेक्टिव और एफिशिएंटली दो वर्ड यूज़ किए गए हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है, और एक वर्ड यूज़ किया गया है प्रोसेस। तो पहले इनको तीनों को अलग अलग समझ लें। प्रोसेस का मतलब होता है प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने अचीव करना है, उसको क्या क्या मेन आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन फंक्शंस को हम इंक्लूड करेंगे पांच तरह की एक्टिविटीज़ में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद वी कम्स टू द इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, यानी कि सही समय पर सही काम को अंजाम देना, फिनिशिंग द गिवन टास्क इन अ टाइम। अब आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम को सही ढंग से करना, लेकिन मिनिमम कॉस्ट में। बच्चों, तुम लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस होता है उसमें आप लोगों ने कम से कम लागत पर अधिक से अधिक आउटपुट करनी होती है। ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, तो क्योंकि हमारे पास जो बिजनेस में रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको वेस्ट कर देंगे या उनको आप लोग सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो दैट्स वाई कि इन तीनों चीज़ों का मीनिंग क्या होता है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। नाउ द लास्ट वर्ड इज चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट मीन्स डायनेमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है डिपेंड अपॉन फ्यूचर, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है और उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में आपने अपने काम को सही ढंग से पूरा करना।